आज समाज के हर हिस्से में दुनिया की सोच बदल रही है। समाज में चाहे लड़का हो या लड़की, सबको बराबर का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। पर हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स को आज भी हीन भावनाओं से देखा जाता है। उनको समाज में वह जगह नहीं मिल पाती जो बाकी वर्गों को मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रांसजेंडर्स की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केरल के त्रिशूल में रहने वाली प्रिया की कहानी। दरअसल प्रिया का असली नाम जिनो शशिधरन रखा गया था, पर इस नाम के पीछे उनकी असली पहचान का एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। प्रिया बचपन से ही लड़की बनना चाहती थी और वो हमेशा अपने माता पिता से कहती थी कि उनको लड़की बनना है, लड़कों का छूना उनको गलत लगता है। पर उनके माता पिता ने अक्सर इस बात को बचपना कहकर टाल दिया। पर उनको मुश्किल तब आई जब वो टीनेज अवस्था में आई। इस दौरान शरीर में होने वाले बदलावों की वजह से उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी। किसी से कुछ ना कह पाने के चलते वो अपनी भावनाएं डायरी में लिखती थी और एक दिन वह डायरी उनके माता पिता ने पढ़ ली तो वे उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, पर डॉक्टर ने उनके मानसिक बीमार होने से मना कर दिया। आपको बता दें, प्रिया ने स्कूल लाइफ को पीछे छोड़कर कॉलेज लाइफ को एक नई तरह से जीना शुरू किया। उन्होंने कॉलेज लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह बिताई। उन्होंने लड़कों को ही दोस्त बनाए और लड़कों जैसे ही तरीके सीखे। बता दें, प्रिया ने वैद्यरत्नम आयुर्वेदिक कॉलेज से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई की है। पर कॉलेज और जॉब लाइफ के बाद उन्हें लगने लगा था कि वे इस जिंदगी से खुश नहीं है। इसके बाद ट्रांसजेंडर पर 3 साल तक रिसर्च की और अपने परिवार वालों से बात की, और 1 साल बाद प्रिया ने एक मीटिंग में पूरे हॉस्पिटल के सामने ये घोषणा कर दी कि वे ट्रांस वूमन है और जल्द ही अपना ट्रांजिशन करने वाली है। प्रिया के अनुसार उन्हें अपने सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिला। उन्होंने अपने रेगुलर पेशेंट्स को भी अपने ट्रांजिशन के बारे में पहले से जानकारी दे दी थी।